नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉल इन ओर। दोस्तों, भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को एक बेहतर सुविधा देने के लिए दिन प्रतिदिन नए नए प्रयोग करते रहती है। दोस्तों, अभी सबसे बड़ी समस्या भारतीय रेलवे के साथ जो भी यात्री चल रहे हैं उनकी शिकायत यही रहती है कि जो भी लंबी दूरी की ट्रेनें रहती हैं उसके ट्रेन के टॉयलेट में पानी खत्म हो जा रहे हैं और समय रहते उन्हें न भरा जाए तो यात्रियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, इस समस्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अब ट्रेन के जितने भी कोच हैं उसमें जो टॉयलेट में वाटर टैंक होता है ऊपर, वहां पर एडवांस लेवल का वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रही है। दोस्तों, इसका प्रयोग पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा ब्रह्मपुत्र मेल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया गया, जहां पर वहां के मुख्य पब्लिक जो रिलेशनशिप ऑफिसर है उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर इस जो है ट्रेन के जितने भी कोच हैं उसमें टॉयलेट में ऊपर जो टैंक होता है पानी का, वहाँ पर इस प्रकार के एडवांस लेवल का वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो कि दो प्रकार के जो है सिस्टम पे काम करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो एक लगाया गया है GPS और दूसरा जो लगाया गया है LORA। दोस्तों, LORA होता क्या है कि जितने भी राडार टेक्नोलॉजी से ये काम करता है और ये टैंक के ऊपर एक डिवाइस लगा रहेगा जो कि एक रेडियो वेव नीचे जो है वाटर पे जाके टकराते हैं, वहाँ से रिसीव होकर डेटा को कलेक्ट करते हैं जिससे एक्चुअल रियल टाइम में जो है उस वाटर लेवल की जो है पोजीशन का पता चलेगा कि अभी इसमें कितना पानी बचा हुआ है। और ये GPS के माध्यम से जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन जहाँ पर पानी भरने की सुविधा है वहाँ पर डेटा को ट्रांसमिट करेगा जिससे समय रहते पहले से ही उस ट्रेन में जो है पानी को भर दिया जाएगा और यात्रियों को जो भी समस्या हो रही है उससे निजात मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस ट्रेन में किया गया, रेलवे के द्वारा ये बोला गया कि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी बहुत कम होगा और रियल टाइम डेटा जो है हमारे पास मिलेगी जिससे जो है पहले से ही उस टैंक में पानी भरा रहेगा तो यात्रियों को ये दिक्कत नहीं होगी और ये सही तरीके से काम किया तो इसे धीरे धीरे करके सभी ट्रेनों में लॉन्च किया जाएगा ताकि जितने भी ट्रेन है उसमें इस प्रकार की जो भी यात्रियों को समस्या हो रही है उससे निजात मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे जो है अपने यात्रियों के लिए इस तरीके से नए नए प्रयोग कर रही है ताकि यात्रियों को एक बेहतर सुविधा मिले। तो यहाँ पर रेलवे के द्वारा किए गए इस प्रयोग को लेकर आपकी क्या राय है, अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। सो इस वीडियो बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।